वेतन रोके जाने के कारण शिक्षकों का बीएसए कार्यालय पर हल्ला बोल। यूपी के सीतापुर में नए शिक्षकों की तैनाती के बाद सत्यापन के नाम पर वेतन रोके जाने को लेकर शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। आक्रोशित शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय का घेराव करते हुए कार्यालयों के सामने धरने पर बैठ गए। शिक्षकों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गईं तो पूरे जनपद में शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से ठप कर दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला मंत्री रविंद्र तिवारी का कहना है, हमारे जनपद में विगत 2-3 महीनों से जो हमारे नए शिक्षक तैनात हुए हैं उनके सत्यापन के नाम पर अकारण वेतन रोका जा रहा है, जबकि पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है कि सारे अभिलेखों की जांच ऑनलाइन होती है, लेकिन हमारे जनपद में जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके ऑनलाइन सत्यापन होने के बावजूद उसको स्वीकार न करके उनको वेतन से वंचित किया जा रहा है, जिस कारण उनका परिवार भुखमरी की अंगार पर है। दूसरे चीज, शासन द्वारा 7वें वेतन आयोग की ग्रांट और बोनस की ग्रांट उपलब्ध कराए 6 माह गुजर गए हैं, लेकिन उनके भुगतान करने के लिए न तो हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी न लेखाधिकारी इस पर सहमति दे रहे हैं। दूसरी चीज, बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा निर्देश जारी किया गया कि जो भी अवकाश की पत्रावलियां हैं वो चार्टर के हिसाब से स्वीकृत की जाएंगी, लेकिन हमारे दोनों विभागों में इस समय भ्रष्टाचार चरम पर है। दोनों अधिकारी हमारी लूट खसूट पर आमादा हैं, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं चल रहा, जिसके विरोध में आज केवल सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन है। अगर आज के बाद इनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आया तो जनपद में शिक्षा व्यवस्था को ठप करने की व्यवस्था हम